बगावत की खबरें कोटा से भी आ रही हैं। सीधा रुख करेंगे भंवर एस चारण, हमारे संवाददाता इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। भंवर, पहला सवाल यही है कि आज नामांकन दाखिल करने का चौथा दिन है, इस ओर से क्या खबर रही दिनभर? जी देखिए, कोटा में आज कोटा दक्षिण विधानसभा में 3, उत्तर में 2 और लाडपुरा में 1 नामांकन दाखिल हुआ है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से जुड़े किसी भी बड़े नेता का नामांकन अभी तक नहीं हुआ है। जो भी नामांकन आए हैं वो या तो छोटे मोटे दलों के हैं या फिर निर्दलियों के हैं। लेकिन रोचक बात यह है कि कोटा की जो कोटा दक्षिण विधानसभा सीट है, वहाँ से आज एक किन्नर रीना ने अपना नामांकन दाखिल किया है और ये कहते हुए दाखिल किया है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियाँ लोगों को ठगने का काम करती है और आम आदमी ठगासा महसूस करता है, इसी व्यवस्था को तब्दील करने के लिए हम मैदान में। हाँ। तो कुल मिलाकर कोटा में आज 6 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं, जिसमें किन्नर रीना का नामांकन भी शामिल है। ठीक है, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।